किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाने के चार मूल मंत्र क्या ऐसे हो सकते हैं जिनसे हम कम मेहनत में एक बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित राय और स्वागत है आपका इनफोकस सिविल एकेडमी ICA में। दोस्तों, जब हम लोग किसी भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IAS हो, PCS हो, SSC, UP SSSC के कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि कोई भी अगर एग्ज़ाम हो, अगर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चार ऐसी बुनियादी आधारभूत बातें हैं जिनको अगर हम प्रिपेयर करें, उसके हिसाब से अपने स्टेप्स को फॉलो करें तो हम कहीं ना कहीं एक बेहतर स्ट्रेटजी बना सकेंगे उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, बल्कि उसको हम लोग उस एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर सफल भी हो सकेंगे। तो इन सभी बातों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली जो बात है इसमें वो है कि ओनली ऑफिशियल सिलेबस को देखना। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें आम तौर पे हमने ये देखा है कि बच्चे या तो वो किसी YouTube वीडियोस के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, या फिर अपने दोस्तों से इसको डिस्कस कर लिया, या फिर किसी Facebook या Telegram के किसी चैनल पे जाके ये देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं कि अच्छा, इस एग्ज़ाम में मैथ्स आएगी तो मैथ्स में RS अग्रवाल बुक उठाए, उसमें सारी चीज़ें पढ़ लिए कि अच्छा मैथ्स आएगी तो बस सारे चीज़ें हमने रिवाइज कर ली। वो ये देखने की जहमत नहीं उठाते कि उस पोर्शन, उसमें मैथ्स में उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है। अगर मान लीजिए उस एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जा रही है तो उसको पढ़ने का भी क्या ज़रूरत है। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आप उस वो जो भी आयोग उस एग्ज़ाम को करा रहा है उस आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से उस एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसमें आप डिटेल्ड स्टडी कीजिए कि क्या लिखा हुआ है उसमें, बजाय इधर उधर शॉर्टकट ढूंढने के। चलिए, जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एक प्रॉपर एनालिसिस करना। जी, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी पिछले 3-4 वर्षों में जो पेपर हुए हैं उनको हमें जाके डाउनलोड करना है, उनसे हमें डाउनलोड करके देखना है कि पेपर का लेवल क्या था। आपको ये समझने की कोशिश करना है कि जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उससे ये पेपर किस हद तक मैच कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑफिशियल सिलेबस में आपका दिया है पॉलिटी में कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में वो कितना महत्वपूर्ण पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि आर्टिकल 44 में क्या था, तो 44 आर्टिकल जो है वो एक मतलब बहुत कॉमन है, या फिर जैसे आर्टिकल 17 पूछ रहा है तो वो कॉमन है। लेकिन अगर वो आर्टिकल 59 पूछ रहा है, आर्टिकल 60 पूछ रहा है, आर्टिकल 58 पूछ रहा है, तो ये सब मुश्किल है। प्रेसिडेंट का वो अगर 52 पूछ रहा है तो ईजी है, पर 58 या 59 पूछ रहा है तो वो डिफिकल्ट है। वो आपके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद सिलेबस में लिखा हुआ है उससे वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो इससे इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। दूसरी बात कि वो उससे कितना ज़्यादा उसका लेवल ईजी है, टफ है या मॉडरेट लेवल का है। अगर टफ है तो कितने प्रश्न टफ हैं और वो किस हद तक टफ हैं, क्या बहुत ज़्यादा टफ हैं या क्या। तो ये सारी चीजें हम लोग को प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। ध्यान दें, अगर आप लोग शुरुआती दौर में हैं तैयारी की, तो हो सकता है कि आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर की आप लोग प्रॉपर एनालिसिस ना कर पाए। तो आप लोग यहां पर किसी YouTube चैनल, किसी अच्छे YouTube चैनल या फिर किसी अच्छी कोचिंग इत्यादि का भी सहायता ले सकते हैं। आपके कोई सीनियर्स हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं, बशर्ते कि वो आप मतलब आप मानते हैं उनको लायक, वो अलग बात है, लेकिन वो सच में उस लायक हों कि उसका एक वो प्रॉपर डिस्कशन, एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे, तीसरे महत्वपूर्ण स्टेप पे जो आपको फॉलो करना है, और वो है कि केवल और केवल ऑथेंटिक बुक्स को स्टडी करना। ऑथेंटिक बुक्स को स्टडी करना और उसी को रिवाइज करना। अब देखिए होता क्या है,
कि जो मतलब कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आमतौर पे ज्यादातर बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि हम जो है अब जो भी मतलब किसी भी एग्जाम की जो बुक आई हुई है मार्केट में, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा पेट का एग्जाम आने वाला है, पेट के एग्जाम में वो देखेंगे कि मार्केट में जो है घटना चक्र की बहुत अच्छी बुक आई है तो वो उसको उठा लिए। फिर उसी का आगे जब मेंस होगा, लेखपाल का एग्जाम होगा, उसमें वो देखेंगे कि नहीं इस कोचिंग के नोट्स बहुत चल रहे हैं उसको उठा लिए। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। आप कोशिश ये करें कि जो सोर्स आप प्री मतलब आप पेट के एग्जाम में फॉलो करें, प्रीलिम्स एग्जाम में फॉलो करें, उन्हीं सोर्स को ही बेस बनाकर आपको मेंस में चलना है। हो सकता है कि आप जैसे पेट में अगर लूसेंट को फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लेखपाल के लिए भी आप लूसेंट को ही फॉलो कीजिए। कुछ बुक्स आप या फिर कुछ चैप्टर्स आप कहीं किसी अतिरिक्त बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि पीटी के लिए आप लूसेंट करें, मेंस के लिए लूसेंट को छोड़ दें और दूसरी बुक उठा लें, उसके बाद कोई और एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट आया उसके लिए किसी तीसरी बुक को उठा लें, उसके बाद लोअर पीसेस के लिए आया उसके लिए किसी चौथी बुक को उठा लें। आप जो इस परीक्षा की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे मान लीजिए लूसेंट को अगर आप ऑथेंटिक मानते हैं तो लूसेंट को आप प्रॉपर एक स्टडी करते रहिए। उसको आप नॉर्मल जब आपका पेपर नहीं भी है उस दौरान भी आप स्टडी कीजिए, और उसके साथ में जब पेपर आए तब भी उसको स्टडी कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी बुक को कई बार रिवाइज कर सकेंगे। और आप ये मान के चलिए कि किसी भी परीक्षा में अगर आपको सफल होना है, अगर आपको कोई बात अपने दिमाग में रखनी है, तो एक गोल्डन रूल जो पूरे विश्व में फेमस है कि किसी भी चीज़ को रीड करने के बाद उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स तक रिवाइज कर लिया जाए। 3 टाइम्स तक उसको कम से कम रिवाइज करना होगा पेपर में बैठने से पहले। तो ये आपका जाहिर सी बात है जो बरसाती मेंढक की तरह जो बुक्स आती हैं किसी भी एग्जाम के पहले, उनसे ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि उस वो आती ही इतने कम समय में है कि आप उसको 3 बार शायद ना रिवाइज कर पाए। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो ऑफिशियल ऑथेंटिक बुक्स हैं वो करें। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ऑथेंटिक बुक्स कैसे पता चलेंगी कि किस विषय की कौन सी है। देखिए, इस बारे में तमाम सारे चैनल्स के तमाम सारे वीडियोज, कई सारे टॉपर्स ने भी वीडियोज बनाए हुए हैं, या फिर वो जो रिकमेंड करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उनको आप देख सकते हैं। और लगभग सभी को ये आइडिया होता है, जो भी इस तैयारी में थोड़ा सा घुस चुका है उसको ये आइडिया होता है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या बुक्स पढ़नी है। और रही बात हमारे चैनल पे, तो हम लोग भी इसको समय समय पर बताते रहते हैं। ठीक है, तो आप केवल और केवल जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन्हीं को फॉलो करें, ताकि उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करें और आपके मन में आपके दिमाग में वो चीज़ें स्थायी रूप से बैठ सकें। जो हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है वो है कि कोई रिलायबल सोर्स से हम लोग टेस्ट सीरीज करें। तो देखिए, रिलायबल यहाँ पे बहुत जरूरी है। रिलायबल का मतलब आप बहुत कोई विश्वसनीय, कोई अगर कोचिंग संस्थान है या कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वो अगर कोई अपनी टेस्ट सीरीज चलाता है, तो आप पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि उनकी टेस्ट सीरीज है किस स्तर की, क्या वो पेपर के ही मानकों के आधार पे हैं। अगर ऐसा है और वो विश्वसनीय हैं इस मामले में, कोई ऐसी बुक भी हो सकती है जो कि टेस्ट सीरीज के नाम पे आती है, जैसे घटना चक्र या कोई भी और, अगर आपको लगता है कि वो बुक आपके लिए मतलब मानकों के आधार पे है, तो आप उनकी टेस्ट सीरीज देने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आप पेपर के पहले ही पेपर जैसी सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। जो पेपर में एक कॉन्फिडेंस की कमी या फिर एक जो हताशा या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो आप पहले ही सारी सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। तो मेंटल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब आप उससे टैकल करना सीख जाएंगे। दूसरी बात कि आप खुद को यह भी समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी वो किस स्तर की है, आप कहाँ पर अभी लाई कर रहे हैं, क्या आपके जो तैयारी का स्तर है उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आप खराब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई सब्जेक्ट में आप खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें किस किन किन चैप्टर्स में आप खराब परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। तो ध्यान रखें, केवल टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट के बाद उसका प्रॉपर अवलोकन करना कि कहाँ पर हमारी गलतियाँ हो रही हैं, वह बेहद जरूरी है। तो इसलिए आप लोगों को इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि पहला कि आप केवल ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करें, ना कि किसी दोस्त यार से पूछ के और यूट्यूब चैनल वगैरह से देख के।
प्रॉपर एक ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करें। दूसरी बात कि प्रीवियस ईयर पेपर का साइंटिफिक एनालिसिस करें। इस संबंध में मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हाल ही में होने वाले पेट एग्जाम यानी पीईटी एग्जाम के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी संस्था द्वारा कराया जाता है उसका हम लोगों ने एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियोस तैयार किए हैं। ये दो भागों में है ये वीडियो सीरीज, आप इनको देख के यह प्रॉपरली समझ सकते हैं कि किस तरह के पेपर पहले आया हुआ है और किस तरह के पेपर आने की संभावना है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा कि विश्वसनीय पुस्तकों का अध्ययन करें, जो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पुस्तकों को फॉलो करने के बजाय एक जो कॉमन बुक जो सभी एग्जाम्स में के मेजर पोर्शन को कवर करती है उनको करने की कोशिश करें। और चौथी बात कि किसी भी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म की आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम जल्दी किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।